चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 174। तो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट वीक कब होता है, तो उसका आंसर हमें इस वीडियो में इस पेज से मिलेगा, ठीक है? या हम इस पेज में उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो व्हेन टू अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? व्हाट हैपेंस टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर? इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। सो यदि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो मेटल की तरह आसानी से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का सर्किट तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बल्ब को ग्लो करने के लिए वीक हो सकता है, क्या हम कोई ऐसा दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सके? अब एक दूसरा टेस्टर बनाने के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट के किसी अन्य इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके पास रखी मैग्नेटिक और कंपास नीडल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो करंट के बहुत वीक होने पर भी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है, विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, देखें इस एक्टिविटी में ये लेड बनाए गए हैं, ठीक है? आप यहाँ फिगर में 14.2 के टेस्टर में इलेक्ट्रिक बल्ब के प्लेस पर एलईडी है ना, एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको कहा जाता है, उसका यूज कर सकते हैं। 14.3 में देखें यहाँ पर, ठीक है? तो एलईडी वीक करंट पास होने पर भी ग्लो करता है। एलईडी के साथ दो वायर जुड़े होते हैं और इन वायर को लीड्स कहते हैं। तो एक वायर दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है, आप इनमें देख सकते हैं, एक छोटा एक लंबा है, ठीक है? याद रखिए कि एलईडी को किसी सर्किट में जोड़ते समय इसके लंबे तार को है ना, लॉन्ग वायर को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और छोटे वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ओके, तो मैच बॉक्स माचिस की खाली डिब्बी से आप अंदर की ट्रे निकाल दीजिए और ट्रे पर यहां पर देखें, फिगर में बताया गया है, ये देखिए, ठीक है? ट्रे पर चित्र में दिखाए दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रिक वायर के कुछ फेरे उसमें लपेटिए, देखिए, ठीक है? रैप करना है। अब ट्रे के भीतर एक छोटी सी कंपास नीडल रखिए, ये देख सकते हैं कंपास नीडल रखी हुई है। अब वायर के एक एंड को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए
और वायर के दूसरे एंड को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब वायर का एक दूसरा टुकड़ा, दूसरा पीस लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से आपको जोड़ना है, ठीक है। टू वायर्स का यूज हो रहा है यहाँ। अब दोनों तारों के फ्री एंड्स को कुछ समय के लिए एक दूसरे से, अब दोनों तारों के दोनों वायर के एक एक एंड्स छूटे हुए हैं, ठीक है, एक एक सिरा छूटा हुआ है, तो उसको कुछ समय के लिए एक दूसरे से टच कराइए। अब आप देखेंगे कि जो कंपास नीडल है ना, उसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या नहीं, डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। आपका वायर के दो फ्री एंड्स वाला टेस्टर तैयार है। अगर दिखा रहा है कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो आपका ये टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का यूज करके एक्टिविटी 14.2 को फिर से रिपीट कीजिए। क्या टेस्टर के फ्री एंड्स को लेमन जूस में डुबोते ही आपको नीडल कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है? टेस्टर के एंड्स को लेमन जूस से बाहर निकालिए, उन्हें फिर पानी में डुबोइए, ठीक है, वाटर में, और पोंछ कर सुखा लीजिए। अब इस एक्टिविटी को और भी लिक्विड्स जैसे टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सब के साथ रिपीट करिए, ठीक है। और प्रत्येक लिक्विड का टेस्ट करने के बाद टेस्टर के सिरों को पानी से धोकर और पोंछ कर सुखाना याद रखें, ठीक है। तो प्रत्येक सिचुएशन में देखिए कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है या नहीं, और अपने ऑब्जर्वेशन को 14.1 एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 175 में, उसमें आपको लिखना है, ओके, इस टेबल में लिखना है। तो टेबल 14.1 से हम देख सकते हैं कि कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और कुछ वीक कंडक्टर होते हैं। तो यहां बूझो और पहेली फिर सोच रहे हैं कि जब टेस्टर के फ्री एंड्स एक दूसरे को नहीं टच करते हैं, तो पॉसिबल है कि उनके बीच में एयर हो। तो पहेली को मालूम है कि एयर इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन उसने ये भी पढ़ा है कि लाइटनिंग के समय एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। वो यह जानना चाहती है कि क्या हर सिचुएशन में एयर इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है या वीक कंडक्टर होती है। इसी से इंस्पायर होकर बूझो भी ये जानना चाहता है कि क्या वीक कंडक्टर को या पुअर कंडक्टर्स को श्रेणी में, कैटेगरी में रखे और भी मटेरियल भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो एक्चुअली इन सर्टेन कंडीशंस, ओके, अंडर सर्टेन कंडीशंस मींस विशेष परिस्थितियों में ज्यादातर मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और यही रीजन है कि मटेरियल्स को कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के रूप में क्लासिफाइड करने की अपेक्षा गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के रूप में क्लासिफाइड करने को ज्यादा मान्यता दी जाती है, ओके, सॉरी, यही कारण है कि मटेरियल्स को कंडक्टर और इंसुलेटर्स के रूप में क्लासिफाइड करने की अपेक्षा गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के रूप में क्लासिफाइड करने को ज्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो हमने टैप वाटर द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करने का एक्सपेरिमेंट किया है। अब चलिए जानते हैं कि डिस्टिल वाटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है और उसका टेस्ट यहाँ करके देखेंगे, ठीक है? तो ये टेस्ट हम कल के वीडियो में करेंगे, ओके?